मित्रों नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच एस रावत। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं राहु और मंगल का विध्वंसकारी योग 73 साल 8 महीने बाद इस तरह के ग्रह आज आए हैं। अभी मैं जो लाइव कर रहा हूं इस समय रात के 9 बजे दोनों सेम डिग्री पर होंगे, सेम डिग्री पर, और दोनों का सेम डिग्री पे आना बहुत ही खतरनाक अंगारक योग और विध्वंसकारी योग बनता है। इस तरह की सेम पोजीशन राहु मंगल और केतु की 1947 में आई थी, 47 के अंदर जब देश आजाद हुआ था, उसके बाद देश आजाद हुआ था। 8 राशियों के लिए तो बहुत अच्छा है लेकिन 4 राशियों पर इसका दुष्परिणाम है, तो जो अच्छा है वो भी बताऊंगा, दुष्परिणाम है वो भी बताऊंगा। राहु मंगल सेम डिग्री यानी बराबर की डिग्री पर आए हुए हैं, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जब इस तरह के योग बनते हैं तो ब्रह्मांड में कुछ अच्छा भी होता है और कुछ उथल पुथल भी होती है। तो मित्रों राहु और मंगल एक दूसरे के एंटी होते हैं और जब ये एंटी होते हैं, एक तलाक वाला है एक विस्फोटक है, जब ये दोनों एक साथ हो जाए तो कहीं विस्फोट, तकलीफ, दुर्घटना, एक्सीडेंट, हवाई जहाज गिरना, रेल दुर्घटना, अचानक इस तरह के हादसे होते हैं और शरीर पर भी इसका दुष्परिणाम आता है, चोट दुर्घटना लगे। 19 डिग्री 40 कला पर दोनों हो जाएंगे सेम, 19 डिग्री 40 कला यानी अप्रोक्सीमेट समझ सकते हैं 40 कला 19 डिग्री के आसपास, 19 डिग्री 10 कला के आसपास इनको कहा जा सकता है। इनका दुष्परिणाम क्या हुआ, वो कौन सी 4 राशि जिनके ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा, और 1947 में इस तरह का जब ग्रह आया था तो उससे पहले क्या हाल हुआ था। पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, अंग्रेजों के साथ भयंकर युद्ध हुआ, बम विस्फोट, गोली, हत्याएं हुई और देश आजाद हुआ। अगस्त के अंदर 15 अगस्त को देश आजाद हुआ और जुलाई में इस तरह के योग चल रहे थे। इसका मतलब ये रहा कि ये जो पीरियड है आज रात के 9 बजे से जो पीरियड होगा ये संघर्ष वाला होगा किसी ने कहीं ना कहीं, और वहां एक नई चीज की उत्पत्ति होगी, ऐसा एक योग बनता है। उस समय भी प्योर कालसर्प योग था, राहु मंगल की युति थी, राहु मंगल सेम वृष राशि में थे, केतु वृश्चिक में था, बाकी सब स्टार एक तरफ थे। इतने सालों बाद अगर कोई योग बनता है तो उसको रिसर्च करने की आवश्यकता होती है। उस समय पर ग्रहों की गति थोड़ी चेंज थी लेकिन ये कालसर्प योग और वृष राशि के अंदर राहु मंगल और केतु का वृश्चिक राशि माना ये सेम था, बाकी के ग्रह राइट साइड पर हो गए सारे एक साथ, ये कहा जा सकता है। तो हर ग्रह का अपना अपना एक कहीं ना कहीं प्रभाव होता है। 1947 जैसी स्थिति तो नहीं हो सकती क्योंकि वो सेम स्टार नहीं है, लेकिन राहु मंगल केतु सेम इतने साल पहले आए थे, 73 साल 8 महीने पहले ये योग बना था। उसके क्या दुष्परिणाम होंगे, कौन कौन सी राशियों पर इसका इफेक्ट आएगा और इस विध्वंसकारी योग से कैसे बचा जा सकता है वो मैं जानकारी दूंगा। कई बार लोग क्या करते हैं, गाड़ी पी करके चलाते हैं और बहुत ज़्यादा तेज चलाते हैं, दुर्घटना हो जाती है, उससे बचाव करना है, गाड़ी तेज नहीं चलानी है, सावधानी बरतनी है। अकस्मात एक्सीडेंटल्स डिप्रेशंस वगैरह होते हैं, आदमी सुसाइड कर लेता है, उन सब चीज़ों से बचना है, उन सब चीज़ों की आपको बचाव करने की जरूरत होगी। चलिए आपको बताते हैं कौन कौन सी राशियों पर इसका नेगेटिव इफेक्ट रहेगा और उसके बाद कौन कौन सी अच्छी राशियाँ रहेंगी जिनके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मिथुन राशि की।
मिथुन राशि में मंगल वैसे भी अच्छा फल नहीं देता, और इसमें ये छठे भाव चोट एक्सीडेंट दुर्घटना का स्वामी होता है, छठे से छठा ग्यारह भाव का स्वामी होता है, बारह भाव में बैठा हुआ है, अपनी एक राशि से दूसरे भाव में है जो चोट दुर्घटना का भी होता है, मारक होता है, और एक से सप्तम में वो भी मारक होता है। तो मंगल दोनों राशियों से मारक स्थान पर है। राहु मंगल की युति यहाँ पर जो सेम हो रही है 19 डिग्री अप्रोक्सीमेट, ये 19 डिग्री 10 कला के आसपास होगी। तो 19 डिग्री अगर 10 कला होती है या 19 डिग्री 5 कला पर अगर ये योग बनता है तो भी कोई बात नहीं, रात के 9 बजे। तो बारह भाव में ये योग बनता है तो इसका नेगेटिव क्या होगा, मंगलिक दोष का प्रभाव बनता है। और यहाँ विवाह स्थान का स्वामी मृत्यु स्थान में है गुरु, इस पर राहु की दृष्टि है मंगल का प्रभाव लेकर के, सेम डिग्री का प्रभाव लेकर के, तो इसका मतलब वैवाहिक जीवन में तकलीफ आना, पति पत्नी में कहीं विवाद पैदा हो जाना या चोट दुर्घटना लग जाना या एक दूसरे से बिछड़ जाना, ऐसा योग यहाँ पर एक बनेगा। तो यहाँ मंगल राहु और केतु की पूजा आपको करनी चाहिए। अगली राशि हमारे पास तुला। तुला राशि के अंदर भी प्योरली मंगल बार केस है, सेकंड हाउस जो परिवार का होता है, सप्तम भाव जो पत्नी का होता है, उन दोनों का स्वामी होकर के मृत्यु स्थान में बैठा है, प्योरली कालसर्प योग में है, राहु के साथ अंगारक दोष है, दुर्घटना कारक है, स्वयं के लिए दुर्घटना हो सकती है। वो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये बताना पड़ता है, अगर ना बताओ तो फिर ज्योतिष पर उंगलियाँ उठती हैं कि आप बुरा बुरा नहीं बताते, अच्छा अच्छा ही बताते रहते हैं हर वक्त। कई लोग तो लिख देते हैं कि आप हर वक्त करोड़पति अरबपति बनाते रहते हैं। मेरा लिखने का मतलब और बनाने का मतलब ये होता है कि जो लोग डिप्रेशन में आर्थिक स्थिति में टूट चुके हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल वापस आए, और वो हमारे कहने से कॉन्फिडेंस लेवल वापस आता है, ग्राउंड पे इफेक्ट आता है, पॉजिटिविटी उनको मिलती है, तो उसका लाभ मिलता है। तो यहाँ पर लग्न का स्वामी और आयु का स्वामी शुक्र है, वो पूर्ण अस्त होकर के छठे भाव में है और मार्केश मृत्यु स्थान में है, पापकर्तर योग बना हुआ है, तो यहाँ पर ये योग अच्छा नहीं है। तो तुला वालों को भी थोड़ा अपनी आयु को लेकर के चिंतित होना चाहिए, थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, हॉस्पिटल में है तो दवाई वगैरह टाइम से लेंगे तो थोड़ा पॉजिटिव रहेगा, नहीं तो कहीं तकलीफ बढ़ सकती है। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि का स्वामी स्वयं मारक स्थान में गुरु नीच होकर के बैठा हुआ है, धनु राशि का स्वामी, और धनु राशि पर शनि की साढ़े साथी का प्रभाव भी है। यहां पर मंगल बारह भाव का स्वामी होकर छठे भाव में बैठा है, राहु के साथ बैठा है, चोट दुर्घटना एक्सीडेंट का कारक भाव है, तो रोग चोट ऋण वगैरह दुर्घटना बढ़ जाना, ऐसा योग यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ राहु केतु मंगल इनकी पूजा करा लें एक तुरंत, इस पूजा कराने से भी आपको कहीं ना कहीं लाभ नजर आएगा, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अगली राशि मीन है। मीन राशि के अंदर अगर देखा जाए तो आयु का स्वामी शुक्र है, वो तो केंद्र में है, बलवान होकर बैठा है, लेकिन मारक भाव का स्वामी मंगल तीसरे भाव में भाई बहन के स्थान पर बैठा है, तो उनको और मित्रों को कोई तकलीफ दे सकता है। ये जो चार राशियां हैं जिनकी मैंने जानकारी दी है, जिसमें धनु है, तुला है, मीन है और मिथुन है, इन राशि वालों को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। बाकी राशियों में भी कालसर्प योग इसका है, उसका दुष्प्रभाव है, लेकिन इतना पूर्ण रूप से दुष्प्रभाव नहीं है। 6, 8, 3, 6, 8, 12 के अंदर जब ये ग्रह बैठते हैं तो कहीं ना कहीं हमें तकलीफ देते हैं, और जब ये इस तरह का सेम डिग्री के ऊपर अगर कोई योग बनता है तो वहाँ बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है। इसलिए मेरा उद्देश्य होता है कि मैं सावधान कर दूँ आपको, तो इस समय इस योग से, इस संगारे योग से सावधान रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर मंगल की पूजा करें, राहु की पूजा करें और केतु की भी पूजा करें तो ये इससे काफ़ी बचाव हो सकता है। जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि सेम डिग्री पर सूर्य और शुक्र की युति हुई, ऐसे ही आज सेम डिग्री के ऊपर मंगल राहु की एक युति हुई है, लेकिन ये कल से धीरे 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 अलग होने शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ थोड़े हमें बचाव की आवश्यकता होगी। मित्रों, आप भी जानना चाहते हैं अपनी कुंडली के बारे में तो आप अपन में लेके मिल सकते हैं, आप वास्तु विजिट करा सकते हैं। अगर आपकी फैक्ट्री में दिक्कत आ रही है, आपके ऑफिस चलने में दिक्कत आ रही है, आपकी दुकान है, शोरूम है, कोई मॉल है, वहाँ पर किसी प्रकार की तकलीफ है, नेगेटिव ऊर्जा है, मन नहीं लगता है, तो उसके लिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार के दोष की शांति के लिए आप पूजा पाठ के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। अब समय आपसे हाथ लेने का, अगले एपिसोड में नई जानकारी लेकर के फिर आऊँगा, तब तक के लिए
नमस्कार, और मुझे संपर्क करने के लिए मैं आपको पता देता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है, महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फोन नंबर 0112563-8157, 2563-8168, मोबाइल नंबर 9811-44156, 9212-860-90, ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.drhsrawal। दर्शकों,